China-Pakistan economic corridor goes through via Gilgit-Baltistan till Gwadar port, which goes to majorityly from POK. ये सवाल है मैडम. देखिए, एक तो मैं नहीं मानता कि वहाँ लक्ष्मण रेखा है. तो मुझे लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है. कहीं एक समय में किसी के कमज़ोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्परेली निकल गया. टेम्परेली तो आप यह भी जानते हैं कि इसमें एक संसद का और माने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन है कि हम जो हैं कभी न कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेंगे. ये पोजीशन. जो आपका सवाल जो है, मैं कुछ साल मैं चीन में भी राजदूत था और करीब क्योंकि जो चीन का जो वहाँ जो भी उनकी गतिविधियाँ जो हैं जो भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलजुल के जो किया है, इसका भी पुराना इतिहास. तो हम उनको बार बार कहते थे कि देखिए, ये ज़मीन जो है, अगर आप दुनिया के थोड़ा लीगली देखें इसको, हाँ, पाकिस्तान भी नहीं कहता कि ये पाकिस्तान का भाग है, ना चाइना कहता कि चाइना का है. इसका अगर सॉवरेन क्लेमेंट है कहीं दुनिया में, एक ही भारत. लीगली आप देखिए इसको, कि थोड़ा आप देखें कि अगर किसी का यहाँ किसी के ज़मीन का विवाद हो, ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं, बिल्डिंग आप वहाँ बना रहे हैं, लीगल टाइटल मेरा है. अब देखिए ना, तो उनको जो है उनको पता है. और ये भी है कि आप कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग के लिए नई बात होगी, 1963 में उस समय पाकिस्तान, क्योंकि 62 में हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ, तो उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने मन बना लिया कि वो अपनी दोस्ती जो है, अपने रिश्ते उसको आगे ले जाएंगे. और चाइना को साथ रखने के लिए 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को एक करीब 5000 किलोमीटर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है वो चाइना के हवाले कर दी. अब उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इवेंचुअली इट विल दिस टेरिटरी चाइना विल रेस्पेक्ट वेदर इट विल बी विथ इंडिया और पाकिस्तान. तो चाइना को खुद पता है कि उनकी लीगल केस जो है बहुत कमज़ोर. तो अल्टीमेटली जो है दुनिया हर समय कानून के मुताबिक नहीं चलती. चलती थी, अगर चलती है तो बहुत अच्छी बात होगी. तो कभी कभी जो है लोग कब्जा कर लेते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि अलग अलग घटनाएं होती हैं. कोई किसी जगह पे अपना कुछ स्थापित कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि हमें जो है, एक तो हमारी पोजीशन हमें बहुत मजबूत रखनी होगी, हमें खुद उस पर विश्वास करना है. क्योंकि देखिए, 10 साल पहले आप वहाँ होते और मैं आपके सामने आता, आप में से कोई भी पीओके की बात नहीं उठाता, कोई भी नहीं उठाता. ये बदला है, क्योंकि 5 साल पहले हमने जो है 370 का विषय जो अंत में जो होना था वो हमने किया. तो भारत के पब्लिक को विश्वास है कि अगर हमने ऐसे सरकार को चुना है जिसमें यह हिम्मत है 370 करने की, उसको रद्द करने की, तो उस सरकार में ज़रूर हिम्मत होगी. कुछ अधूरा रह गया है तो
आगे का मेरा सवाल ऐसा है, 30 मई 2019 में आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन गए, इस 30 मई 2024 में 5 साल हो जाए।